पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर एक अलग सी तपिश है, वहीं झारखंड में आप देखेंगे तो राजनीति भी अपने शबाब पे है, लेकिन रांची और पूरे राज्य में देखेंगे तो गर्मी की जो तपिश है वो आम आदमी को परेशान कर रहा है। ऐसा पहली बार है कि राज्य के 2400 जिला का जो तापमान है वो 40 पार हो चुका है, और पूरे राज्य में आप देखेंगे तो कोल्हान का एक क्षेत्र है, अब बहरागोड़ा का जो तापमान पिछले दिनों रहा, अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री रहा। इस तरह से लगातार तापमान बढ़ रहे हैं, और बढ़ते तापमान के बीच में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि राज्य के तमाम जो स्कूल हैं वो सरकारी हों या प्राइवेट हों या माइनॉरिटी के स्कूल हों, तमाम स्कूल जो हैं वो केजी से लेकर आठवीं तक बंद किया उन्होंने। ये एक बड़ा और स्वागत योग्य फैसला रहा। राजधानी रांची का भी जो तापमान था वो 40.1 डिग्री था, और बहरागोड़ा का तापमान 47.1 डिग्री रहा। तो वहीं आप देखेंगे जमशेदपुर, गोड्डा और सरायकेला का तापमान लगभग 45.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी आने वाले समय में तापमान में इसी तरह से वृद्धि होगी, तो इस बढ़ते तापमान के बीच में मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी दी है कि यदि आपको कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं हो तो आप 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक आप बेवजह सड़कों पर ना निकलें। और जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है ये एक चिंता का विषय है। आप देखेंगे पूरे राज्य में या राजधानी रांची की बात करेंगे तो यहाँ अधिकतर समय आप देखेंगे कई इलाकों में फ्लाईओवर निर्माण का कार्य चल रहा है, और वैसे में कई पुराने पेड़ कटे हैं, और ये पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है कि ग्लोबल वार्मिंग और जो लोकल प्रॉब्लम है उसकी वजह से तापमान में वृद्धि हो रही है। तो वैसे में हम ये ज़रूर कहेंगे कि आने वाले समय में अब गर्मी के बाद बरसात का मौसम शुरू हो रहा है, तो तमाम जो रहने वाले रांची में रहने वाले या राज्य में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें एक पेड़ ज़रूर लगानी चाहिए। और जिस तरह से गर्मी बढ़ी है पूरे रांची में देखेंगे तो जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और पीने की पानी की समस्या भी हो सकती है। तो बढ़ते तापमान के बीच में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आप अपने घरों से निकल रहे हैं तो गर्मी से बचने के तमाम उपाय करें, और खाली पेट भी ना रहें, छोटे बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि ये गर्मी ऐसी गर्मी है कि आपको घर के अंदर भी लू लग सकती है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।